सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी, साथ बेल के बटन को भी दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दी नॉलेज टीवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सदारत में वफ़ाक़ी काबीना का इजलास, सरकारी मुलाज़मीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों में इजाफे की सिफारिश। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की सरबराही में वफ़ाक़ी काबीना का इजलास कल होगा। इजलास का 14 निकाती एजेंडा अरकान असम्बली को भिजवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक एजेंडे में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी शामिल है, जबकि हैवी कमर्शल गाड़ियों पर वेंडर्स के लिए इजाफी ड्यूटी ख़त्म करने पर गौर किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि अरकान की तनख्वाहों में इजाफा वजारत पार्लिमानी अमूर की तरफ से किया जा रहा है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा मामूल के मुताबिक है। काबीना के अरकान तनख्वाहों में इजाफे को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, इसलिए कल ये इजलास में पेश हुआ तो मुस्तरद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी नॉलेज टीवी। अल्लाह हाफिज़।